में नारिया पढ़ना चाहिए सिलेबस पे ना हमारे पढ़ाया नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़ाए तो पढ़े इट्स नॉट अ क्वेश्चन सिलेबस करिकुलम आपको एक एनवायरमेंट मिल रहा है एक जगह मिल रही है बाकी बात पढ़ना लिखना आपका काम आज के ज़माने में पढ़ने लिखता आपके काम चाहे घर जाके पढ़े वहाँ पढ़े इसीलिए जो ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है तो आप पढ़ सकते हैं तो अभी जो मॉडल चला रहा है दुनिया में ज़्यादातर हार्वर्ड स्टैनफोर्ड कैम्ब्रिज ये सारे सोच रहे हैं क्योंकि एडमिशन कम हो गए लोग जा रहे हैं कोर्सेरा की डिग्री मिल रही है आजकल कोर्सेरा के कोर्सेज को लेकर ना डिग्री मिल जाएगी जो जो चीज़ उन्होंने कोर्सेरा बनाए कोर्सेज बनाए हैं वो हार्वर्ड भी है MIT भी है स्टैनफोर्ड भी है उसको आंसर डिग्री मिल जाएगी डोंट हैव टू गो टू क्लासेस और क्लास की फीस क्यों 70,000 आ रहा है कौन देगा उसके जब फ्री में करेंगे मतलब नॉमिनल फीस में करेंगे तो आज का ज़माना आ गया ऑनलाइन एजुकेशन का ऑनलाइन लर्निंग का एजुकेशन लर्न कर सकता है नए नए स्किल सीख सकते हैं नए नए कोर्सेज सीख सकते हैं लिहाजा जब तक आप अपने आप को इंगेज नहीं करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न एजुकेशन की बात कादिर आज़म ने 100 साल पहले की 21st century की बात 20th century में कर रहे हैं We cannot progress unless we have modern education system. 1930s बात करें 100 years ago तो हम आजकल शुरू कर रहे हैं बात एजुकेशन सिस्टम में आपको बदलना पड़ेगा और उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को एम्पावर करना पड़ेगा आज अल्लाह के शुक्र से स्टूडेंट्स सारे एम्पावर्ड हैं उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स हैं कुछ लैपटॉप भी है आपके हाथ में है टेक्नोलॉजी आपके हाथ में लर्न एनी थिंग यू वांट मैं रोज़ाना जब कभी जो कोई दवाई भी देता है तो दवाई फ़ौरन जाके उन्हें सर्च कर लेते हैं क्या साइड इफेक्ट क्या है आई गेट एवरी इंफॉर्मेशन दैट आई नीड एंड आई हैव टू आस्क बल्कि मैंने जब शुरू किया था मेडिकल कॉलेज गुजरात यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोग्राम नहीं था मेडिकल कॉलेज पढ़ना मेरे चार्टर में था तो वहाँ सियासत जो है हाजिम आसिफ वो नवाज शरीफ के बड़े क्लोज थे वो मिलते थे जाके सदर मुझे तो गुस्सा ये था कि चौधरी ने वहाँ यूनिवर्सिटी बना ली और हमने कुछ नहीं किया उनको कन्विंस कर लिया कि हमें एक मजबूत कॉलेज बना तो जब ना वगैरह गया है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी कि मैंने बड़े भैया से बात कर ली आप मुझे बना तो उन्होंने जी कहाँ बनाए जिन्होंने मैं आपको जाना चाहता हूँ उन्होंने बड़ी कोशिश की इंस्टीट्यूट में गए कई जगह कोशिश की कोई मेडिकल कॉलेज बना के देखे किसी ने उन्हें बताया मेरा लास्ट ईयर था पहले टर्म था लास्ट ईयर था चौधरी साहब जा चुके थे तो किसी ने कहा अगर आप बनाना चाहते हैं तो इंतजाम से बात करें वो बना दी तो उन्होंने अपने घर पर बुलाया मुझे जाना नहीं चाहिए था लेकिन मैं चला गया कहने की देखिए ये फाइलें मेरे पास पड़ी हैं आपके खिलाफ सारे रिपोर्ट हैं आप चौधरी के बंदे उनके काम करते हैं किसी और के नहीं करते मैंने कहा सबके करता हूँ पीपल पार्टी के करता मैं पीपल पार्टी का पहले कन्वोकेशन में प्राइम मिनिस्टर आ गया पीपल पार्टी का था चौधरी कहाँ से होगी पहला कन्वोकेशन गुजरात में प्राइम मिनिस्टर साहब गिलानी साहब आ गए वो पीपल पार्टी के थे गवर्नर साहब पीपल पार्टी के थे चांसलर आ गए ये कब कौन करेंगे मैं नहीं करता वो बहरहाल आप मेरे ये काम कर दो कॉलेज बना तो मैंने कहा आपके कहने नहीं बनाऊँ जब आपने चीफ मिनिस्टर ला के दे दें कि मैं जब कॉलेज डायरेक्टर मैं बना मेडिकल कॉलेज का बना दूँ कर दूँ वो लिख लेकर आए नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज फाइल पे लिखा हुआ और मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था मुझे इससे पहले मैंने एक चीज़ रिजल्ट कर दी थी पी पार्टी की तरफ से आई थी इस यूनिट का नाम रखते बेनजीर और गवर्नमेंट उनकी थी मैंने क्लोज भी था क्या ले गया सिंडिकेट ये लटर आया प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिटी जिनका नाम रखा बेनजी भुट्टो जिसे बनाई थी चौधरी ने उसका नाम चौधरी जी सिंह रखा था मतलब यूनिवर्सिटी गुजरात रखा था न्यूट्रल तो और उसके इतफाक से हमारे सिंडिकेट में वो बैठे हुए थे चौधरी शफा था वो डी सी वो लाजिम थे मैं जब लेके गया कि डॉक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हैं मैंने नहीं किया ये वहाँ से आया प्लानिंग कमीशन से
नाम तो पहले नवाज शरीफ ने निकाला था, हम क्यों रखने देंगे, हमने उनका नाम नहीं रखा। मैंने कहा आपके पास जो फैसला कर पहले बेनजीर भुट्टो का आया, मैंने कहा मैं खुद दिल्ली नहीं करता, आप पहले बिजनेस बेनजीर सेंटर फॉर यू वीमेन डेवलपमेंट कर लें ताकि एक सेंटर के नाम बना, इस तरह म्यूजिक नाम ही चेंज कर। मैं लिख के भेज दिया सिंडिकेट ने फैसला किया दिल बी सेंटर फॉर वीमेन डेवलपमेंट। फिर ये बात आई, मैंने कहा मैं नहीं कह सकता आपको कर रहा है, मुझे लेटर मिला कि आपको इस्टेब्लिश करें, तो उसके तब्लिश में मैंने सपोर्ट ली पीपल्स पार्टी से कायरा साहब के लिए। वो कह रहे थे किसी साल करें, मार्च में बात हो रही और सेप्टेम्बर में क्लास।